इस ऐसी आपदा के समय में इतनी एक अहम देश की शिक्षा नीति, जिससे हर एक देश का तबका जुड़ा हुआ है, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है, ऐसी एक शिक्षा नीति को आनन फानन में सरकार इस आपदा के समय में लेकर आती है। सरकार भली भांति जानती है कि अगर इसको सामान्य दिनों में लाया जाएगा तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों का जो एक विरोध है, इसको सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। जो बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर पूरी तरीके से अपना किसी भी तरीके से अपने आप को वहाँ पर खड़ा नहीं रख पाएगा, और सरकार जिस तरीके से मनमाना है उसमें जो 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 कहेगी, जिस तरीके से उसको आगे चलाएगी, उसी तरीके से वो अपनी सोच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। एक पक्ष ऐसा भी जो इसके साथ खड़ा हुआ है सर, वो तो बड़ी अच्छी बता रहा है इसे। जो साथ में खड़ा है उनसे आप पूछिए कि क्या अच्छा बता रहे हैं आप। हम बता रहे हैं, हम तमाम तर्क के आधार पर एक एक चीज़ों का इसका व्याख्या करके बता रहे हैं कि क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इसमें किस तरीके से पूरा निजीकरण को पुरजोर तरीके से इसमें छूट दे रही है पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए। सरकार किस तरीके से जो बुनियादी शिक्षा का जो पूरा ढांचा है इसको किस तरीके से ख़त्म कर रही है। आज आपने देखा जो स्कूली शिक्षा में जो आज क्लास सेकेंड क्लास तक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी के भरोसे दिया जाएगा, आंगनवाड़ी को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है पढ़ाने की। हमारे देश में हम लोग सभी जानते हैं, अभी भी आप देखेंगे दिल्ली में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। जो आंगनवाड़ी खुद अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं है, सरकार खुद आप देख रही है कि खुद वो ICU में पड़ा हुआ है। ऐसी एक व्यवस्था को आप बोल रहे हैं कि आज जो सबसे बुनियादी तबका, जो सबसे आज हम कह रहे हैं कि जो एक बचपन जो छात्रों के किसी भी तरीके से बुनियाद को बनाने के लिए ज़रूरत होता है, जिसी के आधार पर आने वाले समय में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, उस आधार को, उस बुनियाद को खोखला बनाने का काम कर रही है। आप देखिए जिस तरीके से क्लोजर और मर्जर की बात की जा रही है, तमाम तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। तमाम राज्यों में आप अगर देखेंगे तो 8,000, 10,000, 15,000 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे दो बार नगर निगम का आदेश आ चुका है कि 80 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और इसके जगह पे स्कूल कॉम्प्लेक्स खोलने की बात की जा रही है। मतलब जहाँ हम बोलते हैं कि सरकार को हर एक लेवल पर शिक्षा आम जनता तक पहुँचाने की ज़रूरत है, जो एक्सेसिबिलिटी है शिक्षा की, जो पहुँच है, वो हर एक जनता की रीच में होना चाहिए, आज इसके बजाय हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा को आम छात्रों से दूर किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है बड़ी तबका को कि वो प्राइवेट शिक्षा की ओर जाएं, निजी शिक्षा की ओर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करें और शिक्षा खरीद सकें। आज जो सार्वजनिक शिक्षा है, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है, उसको ख़त्म करने का पूरा सरकार योजना बना रही है। आपको क्या दिखती है, एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें मुख्य कमियाँ क्या है जिसकी वजह से आप? देखिए मुख्य कमियाँ इसकी अगर हम गिनाने बैठेंगे तो ये एक पूरा दिन भर की एक चर्चा है। ये 66 पर पेज की जो पूरे डॉक्यूमेंट है, सरकार ने इसमें कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट लाए हैं या कहीं सुधार बात की गई है। इसमें पूरी तरीके से स्कूल एजुकेशन से लेकर हाईएस्ट एजुकेशन तक हर स्तर में इसमें बदलाव किया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार का जो इसको इतने अहम नीति को लाने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से गैर जनवादी है। इसी से हम समझ सकते हैं कि सरकार का असली मकसद क्या है। हम सभी जानते हैं सन 2020 में सरकार ने इस नीति को लाया, एक ऐसे समय में जब देश में पूरी तरीके से कोविड महामारी का दौर चल रहा था, आम जनता अपनी जीवन बचाने की लड़ाई में जद्दोजहद कर रही थी, सरकार ऑक्सीजन देने तक भी अभी सक्षम नहीं थी। ऐसे में जहां ज़रूरत थी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की, उसको और बेहतर करने की, ऐसे एक आपदा के समय में सरकार जो नारा भी देती है कि हम आपदा को अवसर बनाना चाहते हैं, हमें आपदा को अवसर के में इस्तेमाल करना चाहिए, सरकार उसी कदम पर काम कर रही है। और इस ऐसी आपदा के समय में इतनी एक अहम देश की शिक्षा नीति, जिससे हर एक देश का तबका जुड़ा हुआ है, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है, ऐसी एक शिक्षा नीति को आनन फानन में सरकार इस आपदा के समय में लेकर आती है। सरकार भली भांति जानती है कि अगर इसको सामान्य दिनों में लाया जाएगा तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों का जो एक विरोध है, इसको सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं, देखिए समय की मांग होने से तो नहीं होगा, समय की मांग तो है, लेकिन बदलाव के दो पहलू होते हैं। बदलाव एक होता है सकारात्मक तरीके का बदलाव, जो कि पहले वाली व्यवस्था से और उन्नत करने के लिए होता है, ना कि हम इसको कहेंगे कि एक नकारात्मक बदलाव, कि जो कि शिक्षा व्यवस्था का जो ऑलरेडी हम देखते हैं जो लचर ढांचा है उससे और भी बुरी स्थिति में ले आए, तो ये कोई बदलाव नहीं है। ये कहीं ना कहीं आज जिस संकट से ये दौर गुजर रहा है देश में, हर एक तरीके के जो हालात हम देख रहे हैं, आर्थिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, शैक्षणिक समस्याएँ हम देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का, लोगों की असल मुद्दों पे जो सोच समझदारी विकसित ना हो पाए, इसीलिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। हर एक देश का शासक व्यवस्था हमेशा सत्ता में अगर शासन करना चाहता है, राज चलाना चाहता है, सबसे पहले उसका हमला होता है शिक्षा व्यवस्था पे। हिटलर जो जिस नीति पे चल रहा था, आज हमारी मोदी सरकार भी उसी नीति पे चल रही है। जहां हिटलर कहा करते था कि भाई शिक्षा को मेरी मुट्ठी में आने दो, मैं राज्य को अपनी मुट्ठी में ले जाऊंगा, मोदी सरकार भी सेम उसी नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं, शिक्षा को अपने मन मुताबिक बनाना चाहते हैं।
जनता एक तरफा आपका मामला है। आप देखिए ये जो लोग बैठे हैं ये सिर्फ वो लोग हैं जो कि सिर्फ बहुत कम संख्या में बुलाए गए लोग हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले एक डेढ़ महीने से जो इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर और इससे भी पहले से एक साल डेढ़ साल से जब से ये नीति लाई गई है, जब जब हम लोगों के बीच में गए हैं एक भी प्रतिशत हमको अगर तबका मिला हो जो इसके परिवार प्रतिवाद में उठ के खड़ा हो। सरकार कहती है हम कोई भी नीति लाते हैं ना, इन लोगों का काम विरोध ही करने का है बस। देखिए ये उनका तर्क है, वो कोई भी तरीके से जो बात आती है उसको हमको समझना पड़ेगा। क्या हम एक कोरा तर्क दे रहे हैं? क्या हम विरोध करने के लिए बिना आधार के विरोध कर रहे हैं? ये उनको समझना पड़ेगा। क्या उन्होंने हमारे सामने बैठ के कोई सुझाव मांगा? क्या उन्होंने जनवादी प्रक्रिया अपनाई? हम तो सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इतने बड़े एक लोकतांत्रिक देश में जब शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? क्या चंद कुछ अफसर शाहों को बिठा के एक नीति बना देने से एक नीति चल जाएगी? शिक्षा जो एक समान जो एक जिसमें सभी का एक योगदान है, जिसमें छात्र समुदाय हो, शिक्षक समुदाय हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, आम जनता जो तमाम तरीके से शिक्षा का एक स्टेक होल्डर है, जो जुड़े हुए हैं इनसे, इनकी राय का क्या कोई भी महत्व नहीं है? इनसे सुझाव नहीं लिए जाना चाहिए? आज जिस तरीके से सरकार चल रही है साफ तौर पे हमें समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेट घरानों को आज उनको सत्ता को बचाने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियों को भरने के लिए आज सरकार इस तरीके से नीतियों को ला रही है, साफ तौर पे जाहिर हो चुका है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से किसान हित की बात करते करते तीन कृषि कानून सरकार लेकर आई थी तब भी यही बात हो रही थी कि हम तो किसानों का भला चाहते हैं, और वही किसान देश में एक साल आप लोगों ने दिल्ली राजधानी में हम लोगों ने इसके गवाह बने किस तरीके से देश का किसान पिछले एक साल तक लड़ाई लड़ा और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो बात है कि सरकार की चालाकियों को, सरकार के तर्क को समझना पड़ेगा। तर्क सरकार विपक्ष को मौका नहीं दे रही है, सरकार इसके प्रतिवाद में उठने वाली तमाम आवाज़ को दबाने का बात कर रही है। देखिए सरकार की ताकत के साथ तुलना करेंगे तो हमारा बेशक हम लोग उस रफ्तार के साथ हमारे पास जिस तरीके से आंदोलन, देखिए एक दिन में आंदोलन कोई भी जीता नहीं जाता है। जितना बड़ा देश में जितने दूर तक लोगों तक इस बात को ले जाने की ज़रूरत है, वो काम को हमको सुचारू रूप से चलना है। बात जितनी भी हो, आज़ादी की लड़ाई भी हमको 150 साल लड़ के ही मिली थी, इसको हमको समझना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती है। मकसद हो कि हम लोग एक ईमानदारी से सही चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं कि नहीं, ये अहम बात है। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच में जाके एक तर्क के आधार पर इस नीति के बारे में लोगों से चर्चाएँ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ते हुए इस आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं। और उसी का नतीजा है, आप देखिए कि इतने कम दिनों की तैयारी में हज़ारों से ज़्यादा छात्र पूरे देश भर से यहाँ आए हैं। ये एक छोटी सी झलक है। अगर हम पूरी तादाद को सरकार अगर अलाउ करे तो यहाँ पे 2,000-5,000 की भी संख्या यहाँ पे मौजूद की जा सकती है। लड़ाई को और मजबूत बनाया जाएगा, इसी प्रक्रिया में हम लोग आंदोलन जीतेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस नीति को वापस लेने के लिए। सरकार का ये भी कहना है कि जो फॉरेन कंट्रीज में रूल लागू हैं उसी तरीके से हम यहाँ भी रूल लागू करना चाहते हैं जिससे शिक्षा का सुधार हो। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉपी कर लेने से चीज़ों को नहीं होता है, हमें तमाम चीज़ों में उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल पर हैं उनके साथ। अभी सरकार हर तरीके से सब चीज़ को बराबर कर देना चाहती है, क्या हमारा देश में आज भी बराबरी है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सरकार ने लागू कर दिया, मतलब तमाम विश्वविद्यालय जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें हर एक राज्य का अगर छात्र एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा। हमारे देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी तरीके की इनइक्वलिटीज़ हैं, हर एक तरीके से जहाँ पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्राउंड में अलग अलग लेवल है, कोई बहुत स्थितियाँ डिफ्रेंसेज हैं, ऐसे में हम अगर कहें कि सबके लिए समान रूप से एक नीति बना दी जाएगी तो क्या ये कारगर होगा? क्या ये कहना कहीं से भी तर्कसंगत होगा कि सबके लिए न्याय हुआ है? इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जो अभी आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे और भी लोग हैं, भर्ती नेवी भर्ती को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंकर्स हो या शिक्षक हो, सब लोग इस वक्त सड़क पर हैं। तो इतना विरोध होने के बावजूद भी जो है बीजेपी जीत रही है हर राज्य। देखिए जीतने के बहुत से कारण हैं। आज जो हमको ये समझते हैं कि लोकतंत्र में हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का है, ये आज ये अधिकार बचा नहीं है, ये एक तरीके से छलावा है। आज पूरी तरीके से जो वोट हैं, आज की परिस्थितियों में बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि वोट मैनिपुलेट होता है। आज आप देखिए जितनी आर्थिक हालात हमारे देश में ख़राब हो चुके हैं, लोग दिन एक एक वक्त खाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में अगर हम वो बोलें कि विचार की लड़ाई लड़ेंगे और गलत का साथ नहीं देंगे, और वो पार्टियां जो कि पैसा दे रही हैं उनको चुनाव में वोट देने के लिए, जिनको पता है कि अगर मैं 1,000 रुपये अगर उनके लिए मुझे मिलता है तो मेरा कम से कम परिवार 2 दिन खाना खा लेगा, ऐसे समय में आप देखिए जहाँ पर आज एक एक शराब की बोतलें बांट के भी लोगों की नैतिकता खरीद ली जाती है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा ईवीएम का जो खेल है, ईवीएम तो जो इंसान एक मशीन है जो बना सकता है उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। सत्ता राज्य में रह के आजकल उनको वोटिंग से लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको मालूम है हम किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इन चीज़ों को बदलाव हो जाएगा। और अगर हम आगे बात करें तो आगे इससे बुरा क्या हो सकता है, जब आप देखिए चुना हुआ प्रतिनिधि भी बिकने के लिए खड़ा हो जाता है, चुनी चुनाई सरकार को भी वो खरीद लेते हैं।
तो बात है ये लोकतंत्र का जो हम सोचते हैं कि सिर्फ उस आधार पर वोट देने के आधार पर सरकारें चुन रही हैं, सरकार लोग मंत्री जीत रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। बहुत सारे पहलू काम करते हैं, बहुत गुस्सा है लोगों के मन में, लेकिन लोगों के लिए विकल्प अभी तक उस तरीके से वो देख नहीं पा रहे हैं। वो अभी तक लोगों का किसी के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है, वो आंदोलन को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये आंदोलन की ताकत वो समझ जाएंगे, उस दिन बेशक इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि नौकरियाँ देंगे, इतने लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर सड़क पर लोग उतर आते हैं विरोध करने के लिए। बिल्कुल, हमको ये समझना पड़ेगा कि वादों से कभी भी सरकारें नहीं बनती हैं। जो ये वादा करता है, इस चीज़ को जब तक लोग नहीं समझेंगे कि वादे कर देने से ही हमेशा संभल नहीं हो सकता, ये व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो सरकारें बन रही हैं, ये कहीं भी कहीं किसी भी तरीके से जनता के हित में काम नहीं कर सकती। ये चुनी ही जाती है पूंजीपतियों के पैसे से, और इसीलिए चुनी जाती हैं कि अगर गद्दी मिलेगी तो पूंजीपतियों के लिए ही नीति बनाएगी। तो इसमें दो वर्ग हैं, जब किसी एक वर्ग का ही फायदा हो सकता है। अगर पूंजीपतियों की फायदा होगा तो मजदूर वर्ग और जो आम तबका है, जो मेहनत कश तबका है, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। तो ये सरकारों का चरित्र जो है वो बेशक जनता से वोट लेने के लिए आती है, ये बात करती है, वादा करती है, लेकिन वादे की राजनीति से कभी भी सत्ताएं बदली नहीं है, लोगों की समस्याएं नहीं बदली है। जब तक सड़क पर उतर के लड़ाई नहीं होगी ना, तब तक हम न्याय संगत तरीके से लोगों की मांगों को हासिल नहीं कर सकते। सर, ये भी देखा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ज़्यादा उठाया जाता है और शिक्षा को दरकिनारे छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए वही बात है, हम तो शुरुआत से देख रहे हैं, अंग्रेजों के समय से ये चीज़ें चल रही है कि जितना बांटोगे उतना ही अपनी सत्ता को बचा के रख सकते हो। तो बांटने की राजनीति है, लोगों का जो चेतना का स्तर है, सोच का स्तर है, उसको जितना आज नीचे गिर चुका है, जितना शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, अभी इसीलिए ये नीतियों को भी लाया जा रहा है। ये जो नई शिक्षा नीति का हम विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को तर्क के आधार पर सोचने लायक जो क्षमता है, जो शिक्षा है, वो तो चीज़ों को खत्म किया जा रहा है। जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें बांटा जा रहा है, हमको इस तरीके से बांटा जा रहा है, जो असली दुश्मन है वो अपने आप को निकल जा रहा है इसमें बंटवारे से, इसीलिए इस तरीके की नीतियों को लाया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार लोगों को सचेत रूप से समझा पाएं कि मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान है, मुद्दा है कि रोजगार, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है बिजली पानी स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारे असल मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर हमको एक होने की ज़रूरत है। जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे, तब तक सत्ताएँ इसी तरीके से हमको फूट डालेगी और इसी तरीके से हमको बांटने का काम करेगी। वापस नहीं हुआ, ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई हमेशा से जारी रहेगी। जितना भी समय लगेगा इसको हम इस निरंतरता से चलाएंगे, भले 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन ये लड़ाई एक समय तक हमको इसको चलाएंगे, उसको हमको जीत में ही तब्दील करके इसको हम वापस लेंगे। हम लोग लगातार देश भर में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को इसके खिलाफ में लड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।